वसुधैव कुटुंबकम् हे वसुदेव 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 कुटुंबकम् एकी ज्ञान वसुदेव कुटुंबकम् इस घर में हमें जीना है हंसना और मुस्कुराना है सबको गले लगाना है वसुदेव कुटुंबकम् अध्यात्म माने ये क्या है यही अध्यात्म है अपनापन 152 देश में आज आर्ट ऑफ लिविंग है आप उत्तर ध्रुव के आखिरी शहर जहां 2 महीने सूर्य उदय नहीं होता और 2 महीने अस्त नहीं होता दिन में 12 बजे ऐसा रहता है उस शहर है त्रोमसे नॉर्वे के आखिरी शहर वहां चले जाए उधर भी ओम नमः शिवाय गाते हुए लोग प्राणायाम करते हुए ध्यान करते हुए मिलेंगे और दक्षिण ध्रुव के आखिरी शहर तेरा दिल फेगो अर्जेंटीना में अंग्रेजी तो जानते नहीं वो लोग स्पैनिश बोलते हैं वहां बैठ के भी लोग प्राणायाम सुदर्शन क्रिया ध्यान कर रहे हैं उधर भी आपको मिलेंगे लोग तो दुनिया भर में मैंने इतने सारे लोगों से हम मिले हैं पर कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा मैं किसी नए व्यक्ति से मिल रहा हूं सब मुझे परिचित ही लगते हैं अपने लगते हैं अध्यात्म का सार यही है कि अपनापन जहां अपनापन पलपे वहां भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो जाएगा क्यों अपनों से कोई कभी भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता इसलिए आध्यात्मिक एक ही उपाय है भ्रष्टाचार को निर्मूलन करने के लिए अत्याचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार ये सब को दूर करना हो सदाचार सद्विचार लाना हो समाज में तो आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना पड़ेगा ना तो थोड़ी थोड़ी देर हम रोज